To watch more of Bollywood entertainment, download Shemaroo Me app now. वजी, दासी चाय ले आई। अच्छा, तो हम तुम्हें दासी समझते हैं। आप नहीं समझते तो ये आपकी महानता है, लेकिन मैं कैसे भूलूं कि आपके पिताजी उस हवेली के राजा थे और मेरे पिताजी उनके मुनि। अब एक नौकर की बेटी अपने आप को दासी नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? दासी? फिर कभी आपने आपको दासी कहा तो? ओए माँ छोड़िए ना, नहीं तो मैं जाकर माजी से कहूंगी कि मेरे सर पे जो दो चार बाल रह गए कुंवर जी उन्हें नोच के रहेंगे। अच्छा, माजी से शिकायत करोगी? नहीं बाबा, नहीं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप चाय पीजिए। बैठो, तुम भी चाय पियो। मुझ बेचारी को तो जहर खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सवेरे सवेरे माजी के बाल गोपाल को भजन गाकर प्रसन्न करना पड़ता है, फिर चाय पीने के लिए उनके नंद गोपाल की खुशामद करनी पड़ती है, फिर घर जाकर भैया को नाश्ता बनाकर देना पड़ता है, तब कहीं जाकर आधा कप चाय नसीब होती है। नन्ही सी जान, हजारों काम। तो मुझे किसी का डर है? सच्ची तो कह रही हूँ। हाँ माँ जी, भोला को वो नस्वार की डिबिया दे दूँ ना, और उससे कहूँ कि बाजार जाए तो वैसे एक और ले आए। नहीं, उसे वापस कर दे और नत्थू से कहे कि जो पहले नमूना भेजा था वही भेज दे ना। कितने शरीर है, वही तो इस हवेली की रौनक है, हवेली की आत्मा है। जीते रहो बेटा। हे पवन पुत्र हनुमान, हे मेरे भगवान, मेरी सहायता करना। खांसी हो जाए, हैजा हो जाए, बुखार बुनियादी नहीं, बुखार बुनियादी हो जाए, किंतु प्रभु देखना कहीं मेरी शादी न हो जाए। मैं ब्रह्मचारी हूँ प्रभु, मेरे बच्चे भी ब्रह्मचारी पैदा, और प्रभु देखना कहीं किसी नारी जाति का साया भी इस जति सती पर ना पड़े। प्रभु मुझे नारी जाति से बहुत वो है, वो समझे प्रभु। जिस तरह आप राम भक्त हनुमान कहलाते हैं, उसी तरह मैं हनुमान भक्त भोला कहलाऊं। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। ओ ब्रह्मचारी जति सती बालक। दीदी तुम होनी बड़ी बलवान है, तुम कुछ और सोच रहे हो और रानी माँ कुछ और सोच रही हैं। यदि क्या सोच रही हैं रानी माँ? कैसे कह रही थी कि अगर भोला ने जल्दी जल्दी घर नहीं बसाया तो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। उनका ख्याल है कि जब लड़कों के मुंह पर दाढ़ी मूछ निकल आए ना तो उनको जल्दी से ब्याह कर लेना चाहिए। तो मर गए भोला ना। लेकिन दीदी ब्याह तो आपका भगवान का लाख लाख शुक्र है, ना हमारे दाढ़ी मूछ निकलेगी और ना रानी माँ हमें शादी कर देने की धमकी देंगी। आ रही हूँ। लो भाई, आती हूँ भाई, आती हूँ। बोला इसे बदला कर वो पहला वाला नमूना ले आना। अच्छा, ए प्रभु आपने मुझे चिकना क्यों नहीं बनाया, हमें तो इस दाढ़ी ने मरवाया। कोई बात नहीं, अभी साफ कर देते हैं ये कचरा, फिर जाएंगे रानी माँ के सामने। कम से तुम्हें बुला रहा हूँ, ये लो चाबियां, कुंवर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तुम लोग क्या कह रहे हो, कम से कम इतवार को तो घर पर चैन से बैठा करो। कभी कॉलेज में मैच हो रहा है, कभी पिकनिक पे जा रहे हैं, और दो तीन साल से नई बीमारी लगा रखी है बोटिंग की। अरे भाई उसी सिलसिले में तो हम लोग सक्सेना साहब से मिलने जा रहे हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, और एक टीम का कप्तान जो हूँ। ओहो कप्तान साहब, तो वो आपकी सूरत पे लट्टू हो जाएंगे, और अगर उनके कोई बेटी हुई तो इसे आपके इनाम में दे देंगे। इसमें क्या शक है? शक्ल देखिए अपने आईने में, क्या हुलिया बना रखा है। मैं कुछ नहीं जानती, चलो तुम घर चलो। मेरी अच्छी बहन प्लीज, सिर्फ एक घंटे की मोहलत, बस ये गया और वो आया। देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मैं भूख हड़ताल करके रानी माँ के यहाँ जाके बैठ जाऊंगी। अरे बाबा मैं बहुत जल्दी आऊंगा। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आइए कोर्टा।
चार बार चेक तो किया था इन्होंने। चलो ठीक है, मुझे तो मैं लेके आता हूँ। नहीं ये टीम ले पर नहीं यार, ये स्टेपनी भी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा तू पढ़ लगा, स्टेपनी चेंज करता हूँ। अरे जल्दी आना। हस्बैंड बाय अल्लाह रखी कुमारी भानु सक्सेना। इनको शौहर की तलाश। लीजिए, शौहर को काबू करने के लिए कुछ और नुस्खे सुनिए। नंबर एक, घोड़े के लिए लगाम, कुत्ते के लिए पट्टा, ऊंट के लिए नकेल। इसी तरह मर्द को काबू करने के लिए जंजीर की जरूरत होती है जो औरत अपनी अदाओं की। नंबर दो, शौहर और घर के बाल तो कुत्तों की आदतों में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब शौहर औरत की किसी खता पर गुस्से से गुर्राए तो उसे फौरन प्यार से पुचकार देना चाहिए। पुचकार देना चाहिए ना सिर्फ ये यार, इस अनारकी ने ना मालूम कितने घर बर्बाद किए होंगे इस किताब को लिखकर। लिखने वाली को तो पता नहीं, लेकिन पढ़ने वाली ने मेरा दिल। अच्छा, आपके दिल को भी क्या हो गया? और वाकई कुछ कर रहा है। ये किताब शायद आप शायद जिम्मी कौन है बिटिया? ओ कुंवर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। नमस्ते सक्सेना साहब। आज तो सुदामा की कुटिया के भाग जाग गए। मैं तो समझा था कि आप हमें भूल गए। भला ये कैसे हो सकता है, आपको कैसे भूल सकते। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कई रोज से हवेली जाने की सोच रहा था, लेकिन काम है कि दम नहीं लेने देता। जब से राम बन के जंगलों का ठेका लिया है, नींद हराम हो गई है। आपकी तारीफ। सक्सेना साहब, यह है मिस्टर कौशल, मेरा जिगरी दोस्त। बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, हर साल कोई ना कोई कप जरूर जीतता है। अच्छा, अरे ये तो बड़े काम के आदमी है, इनसे पहले क्यों नहीं मिलाया आपने? आपकी तारीफ। ओ ये
जी मैं ये मेरी बेटी भानु है, दिल्ली में पढ़ती है, इस साल बीए का इम्तिहान दिया है और छुट्टियां गुजारने यहाँ आई है फॉर ए चेंज, आई मीन कुछ दिन आराम करने, जस्ट टू रिलैक्स। भानु ये कुंवर साहब है, वो उसको जो मैंने बड़ी हवेली दिखाई थी ना, ये उसके मालिक है। कहिए रानी माँ तो अच्छी तरह से हैं? जी हाँ बहुत अच्छी हैं। उनसे मेरे नमस्ते कहिएगा। भानु मैं एक दिन तुम्हें रानी माँ से मिलाने ले चलूंगा। आप और मुझे ले चलेंगे? कुंवर साहब हमारी बेटी को शिकायत है कि हम उसे कहीं नहीं ले जाते, उसे इस चार दीवारी में अकेले वक्त काटना पड़ता है। लेकिन कुंवर साहब बस्ती से दूर कुदरत की गोद में कोई अकेला कैसे महसूस कर सकता है? कैसे महसूस कर सकता है? आप बजा फरमाते हैं। अब कल ही की बात है, हमारी नौकरी झरना ने, तुम मुझे याद दिलाना चाहती हो कि मैं इनसे पूछूं कि क्या पियेंगे, अरे इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है, चाय पियेंगे? चाय चाहो चाय लिया। हाँ तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि मैं जी मैं एक जरूरी काम से हाजिर हुआ। ये क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको हमारी अगली बोट रेस में जज बनना होगा। क्यों नहीं, लेकिन कल तो मैं टूर पे जा रहा हूँ। जी कल नहीं, ये अगले महीने की 15 तारीख को है। हो फिर भी मैं जरा अपनी डायरी देख लूँ, उससे कोई एंगेजमेंट तो नहीं है। माफ कीजिएगा ये मेरी गलती है। ओह आई एम सॉरी, मैं जरा देख लूँ। चाय तैयार होगी? हाँ मालकिन। नहीं आज मुझे ले जाने दो। ठीक है कुंवर जी, 15 तारीख को मैं फ्री हूँ। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओह ये भानु को इनाम मिली है उसके कॉलेज की तरफ से डांस कंपटीशन में। तब तो आपने वो अलारखी की किताब जरूर पढ़ी होगी। ये अलारखी कौन है? कमाल है सक्सेना साहब, आप अलारखी को नहीं जानते? वो एक बहुत मशहूर लेखिका है और डांस पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। तब तो जरूर पढ़ी होगी, क्यों बेटा? जी जी, जी हाँ, मेरा मतलब है जी नहीं। ये किताब शायद आपकी? जी मैं ये मेरी बेटी भानु है। मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओह ये भानु को इनाम मिली है डांस कॉम्पिटिशन। तब तो आपने वो अलग रखी जरूर, क्यों बेटा? जी जी हाँ, मेरा मतलब है जी नहीं। आपके भीगे हुए जिस्म से आ जाती है, दिल को गर्माती है, जज्बात को भड़काती है। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा, इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। आपका हुस्न वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबू में तपते हुए
रंगों में ढले आपका हुस्न, वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबू में तपते हुए रंगों में ढले, किसका दिल है जो संभाले से संभल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। होंठ हैं या किसी शायर की दुआओं का जवाब, जुल्फ है या किसी सावन के तलबगार का ख्वाब, होंठ है या किसी शायर की दुआओं का जवाब, जुल्फ है या किसी सावन के तलबगार का ख्वाब, ऐसे जलवा को जो देखेगा मचल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। हुस्न किसी एक में देखा न सुना, उसका क्या कहना जिसे आपने हमराज चुना, इस कदर हुस्न किसी एक में देखा न सुना, उसका क्या कहना जिसे आपने हमराज चुना, उसकी तकदीर का उनवान बदल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा, इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। भोला रानी माँ, रानी माँ, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, नथु की दुकान से नसुआर की डिबिया बदल कर ला रहा हूँ। अरे लेकिन ये तेरे दाढ़ी को क्या हो गया? दाढ़ी दाढ़ी दीदी ने कहा था ना, दाढ़ी के कारण आप मेरी शादी करा रही हैं। है? हाँ, इसलिए मैं मुंडवा कर आया हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ ना। ब्रह्मचारी किसको कहते ये भी तू जानता है? हाँ, हाँ, ब्रह्मचारी वो जो हनुमान जी का भक्त हो, जो रोजाना पूजा पाठ करे, जो रोजाना कसरत करे, जैसे मेरे पिताजी किया करते थे। ब्रह्मचर्य की महानता तेरी समझ में नहीं आएगी, इसके लिए सच्चे संयम, ज्ञान और तपस्या की जरूरत है। तू तो जैसा बुद्धू है जन्म भर वैसे ही रहेगा, चल जा। सही क्या? Come in. क्या कहा हुजूर? कमीन कौन है? अंदर आओ भोला। भोला आ गया, ये लो। इसका मैं क्या करूंगा? इसे ले जाकर कुमारी भानु को दे दो। मुझे क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम है कुमारी कौन है भानु कौन है? चरख है कुमारी भानु सक्सेना जी की बेटी है। ओ, तो फिर कोई निशानी बता दीजिए।
उसका गोरा रंग है, काले काले बाल है, लंबा कद है। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shemaroo Me now.